Hello everyone, in this video I will be discussing test number 4 of class 8th conducted by RN classes, right? So these are the instructions given here. Let's proceed on the question number 1. Question number 1 is the number of digits in the square root of 6589489. अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है और देखना है कितने डिजिट्स होंगे, राइट? तो हमने पढ़ा है, फर्स्टली वी विल काउंट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7 सेवन डिजिट्स हैं, राइट? अब हमने पढ़ा है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड हो तो क्या करते हैं, फॉर्मूला इज n+1/2. ये होंगे उसके स्क्वायर रूट में डिजिट्स, राइट? तो अब यहाँ पे क्या आएगा, एन की जगह 7+1/2, डेट इज 8/2. आंसर इज 4. ऑप्शन सी इज करेक्ट. अच्छा, ये तो एक वे था जो कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था जो एनसीईआरटी में दिया है. अब दूसरा वे क्या है, 6589489, इसका स्क्वायर रूट निकालना है और हमें देखना है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर. तो हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, पेयरिंग बनाते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड, दैट इज दिस वन एंड दिस वन. कितने पेयर्स बने, 1 2 3, 3a और 6 अकेले रह गया 4. तो बस सीधा आंसर, 4 इज द आंसर. ठीक है, चलो नंबर 2. द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच 500 इनटू a इज अ परफेक्ट क्यूब. ओके, तो 500 इनटू a, इस नंबर को हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है, ए की हम क्या वैल्यू रखें. अच्छा एक बात बताओ, पहले हम 500 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख ले, ठीक है? कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 × 2 × 5 × 5 × 5, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 500, राइट, इनटू ए. अच्छा परफेक्ट क्यूब होना चाहिए ये नंबर, तो परफेक्ट क्यूब में हर एक प्राइम फैक्टर की क्या बननी चाहिए, ट्रिपलेट. तो 5 का ट्रिपलेट तो बन गया, 2 का ट्रिपलेट नहीं बना. अगर मैं a की जगह 2 रख दूं तभी तो ये ट्रिपलेट कंप्लीट होगा. सो ऑप्शन में a 2 है, बिल्कुल है, a इज 2. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. द क्यूब ऑफ -5/12 इज, -5/12 का क्यूब करना है हमें, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, 5 का क्यूब 125, अब माइनस है बीच में तो यहाँ पे -125 आएगा, ध्यान से. अच्छा 12 का क्यूब 1728, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद इट्स लेग्स ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर इज. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. चलो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ये बन गई. सपोज दिस इज ए बी एंड सी, ये है हमारा राइट एंगल, ठीक है? अब उसने बोला लेंथ ऑफ द लेग्स, सपोज दिस इज 28 सेंटीमीटर एंड दिस इज 21 सेंटीमीटर. अब हमें ये वाली ए सी फाइंड आउट करनी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट? तो हाइपोटेन्यूज है क्या, एसी, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया है 21 स्क्वायर प्लस बेस इज 28 स्क्वायर. अच्छा एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर इज 441 एंड 28 स्क्वायर इज 784, ऐड किया 1225, ये आया एसी स्क्वायर. अब एसी स्क्वायर हमें तो एसी चाहिए थे, तो मतलब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1125. एक बात बताओ, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 1225 है, दैट इज 35. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. अब ट्रू देखें, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑड. ओके, कोई इवन नंबर ले लेते हैं, दैट इज 2 ले लिया, उसका क्यूब करते हैं क्या आएगा, 2 × 2 × 2, दैट इज 8. उसने बोला है कि क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑड, क्या ऐसा पॉसिबल है, किसी इवन नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे 2 तो उसमें प्रेजेंट होएगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो ऑड कैसे हो सकता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स.
Next, if a square ends in a, then a cube always ends in 7. अब कोई नंबर है, that is a square. वो एंड हो रहा है 9 पे, ठीक है? हमें बताना है क्या उसका, अगर हम क्यूब करेंगे वो 7 से एंड होगा हमेशा. चेक कर लेते हैं. अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे a square है, यहाँ पे a cube है. अगर मेरे को a मिल जाए तो मेरे को पता चल जाएगा नंबर है क्या, राइट? अब देखें, ए स्क्वायर ए क्यूब. अच्छा एक बात बताओ, कोई नंबर है जिसका स्क्वायर एंड हो रहा है 9 से, तो नंबर हो क्या सकता है उसके डिजिट यूनिट प्लेस पे, क्या क्या हो सकता है? ए के यूनिट प्लेस पे या तो 3 हो सकता है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, या तो 7 हो सकता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, पीछे 9 आएगा. तो नंबर में एंड वाले डिजिट्स क्या हो सकते हैं? 3 या 7. अच्छा इसी नंबर का अगर हम क्यूब करें, अच्छा नंबर ले लेते हैं व्हेन ए एंड्स विद 3. अगर 3 से नंबर एंड हो रहा है और उसका अगर हम क्यूब करेंगे, ठीक है, तो वो किससे एंड होगा? 7 से. अच्छा अगर नंबर ले ले हम 7 से एंड हो रहा है ए, उसका क्यूब करेंगे तो वो किससे एंड होगा? 3 से. तो उसने बोला ऑलवेज एंड्स इन 7. नो, 7 से भी एंड हो सकता है, 3 से भी एंड हो सकता है, डिपेंड ऑन द यूनिट प्लेस ऑफ द ए. So this statement is false. Next check करें, the sum of two perfect squares is always a perfect square. Check कर लेते हैं, perfect square 4 is a perfect square. अच्छा 9 is a perfect square. दोनों का sum करो, answer क्या आएगा? 13. बोलो क्या 13 एक perfect square है? No. So ये statement तो false हो गई. चलो last one. वैसे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जब पहले 3 गलत हो गए डी ऑप्शन ऑब्वियसली करेक्ट है, फिर भी चेक कर लेते हैं. इफ ए स्क्वायर एंड्स इन 5 देन ए क्यूब एंड्स इन 5. बिल्कुल ठीक है, अगर ए स्क्वायर 5 से एंड हो रहा है तो ए कहाँ से एंड होएगा? 5 से ही एंड होगा नंबर, ठीक है. अच्छा इसी नंबर का क्यूब करेंगे वो किससे एंड होगा? 5 के पीछे क्यूब आई तो क्या आएगा? 125, तो पीछे 5 ही होएगा. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज, क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2. कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 cube + 5 cube कैन बी रिटन एज, कैसे? अच्छा 2 cube + 5 cube को लिखना है. चलो 2 cube को लिखते हैं, राइट? 2 cube का मतलब हमें इसे दो नंबर्स के ऑड नंबर्स के उसमें फॉर्म में लिखना है, ठीक है. तो ये किससे लिख सकते हैं? 3 + 5, ठीक है, लिख दिया. अब 5 cube को लिखते हैं. अब 5 cube को लिखना है तो बीच में, सपोज बीच में नंबर क्या आएगा, कैसे चेक करेंगे? भाई 5 cube है, 5 नंबर्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 होने चाहिए. अच्छा अगर हम मिड वाला लिख लें, मेरे को पता चल जाएगा इधर दोनों कौन से आएंगे, इधर दोनों कौन से आएंगे. अब मिड वाला नंबर कैसे डिसाइड करें? ये है 5 cube. अच्छा 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25. तो मिड में 25 आएगा, तो इधर क्या लिखेंगे? 27. इधर आ गया 29. इधर 23. इधर आ गया 21. तो ऐड कर दो, ठीक है. तो ढूंढो ये ऑप्शन में कहाँ है. 3 + 5 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following have 7 at its unit place? चेक करें पहले में. अच्छा 1 का स्क्वायर किया 1 नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर किया 9 आएगा. जब हम ऐड करेंगे यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस, क्या बन जाएगा? 10. तो पीछे तो आया 0, तो ये तो नहीं हो सकता. अच्छा इसका चेक करें, 8 का स्क्वायर करेंगे पीछे 4 आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे पीछे 5 आएगा. तो 4 + 5 करेंगे तो आंसर में क्या आएगा? पीछे 9. हमें तो 7 चाहिए, ये तो नहीं हो सकता. अच्छा इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, 19² - 12². अच्छा 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? पीछे 81 का 1 यूनिट प्लेस पे. अच्छा माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4. अच्छा एक बात बताओ, 1 और 4 ये माइनस करना है और यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, चेक करते हैं. यहाँ पे एक नंबर है, राइट? अब ये माइनस करना है. अच्छा ये 1 यहाँ पे जो नंबर प्रेजेंट होगा उससे कैरी लेगा, तो ये क्या बन जाएगा? 11. 11 - 4 क्या बनता है? 7. यूनिट प्लेस पे आ गया 7. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
If the digit at the unit place of a perfect cube is 9, okay, perfect cube है कोई, उसके unit place पे 9 present है, then the number at the unit digit of its cube root is, अच्छा, अब किसी number के cube के पीछे 9 आ रहा है, right? अब इसका cube root पे पीछे क्या आ सकता है? अच्छा, किसका cube करें पीछे 9 आ जाए? 9 का ही क्यूब करेंगे तभी तो 729 आएगा, और कोई नंबर है नहीं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10. इफ m इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n, n का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो m आएगा, यही बोलना चाह रहा है. m इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n, देन n इज, n क्या है? ठीक है, तो अगर मैं यहां से n के बारे में इंफॉर्मेशन देखूं, तो द स्क्वायर ऑफ m, क्या n m का स्क्वायर है? नहीं. अच्छा, ग्रेटर देन m, क्या n m से ग्रेटर हो सकता है? नहीं, n का स्क्वायर करने पे तो m आया है, तो n तो m से छोटा ही होगा, ये भी नहीं हो सकता. c, इक्वल टू m, क्या m के इक्वल हो सकता है? नहीं, n का स्क्वायर m है, दोनों n इक्वल कैसे हो सकते हैं n और m? ऑप्शन डी इज करेक्ट. वैसे भी अगर एम आपको निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ एम आ गया, बात खत्म. ठीक है, चलो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11. द क्वेश्चन नंबर 11 इज द वैल्यू ऑफ 8436 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8.436 इज. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 8436 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8.436, ये दिया हुआ है हमें. चलो इसका डेसिमल हटा दें, ये क्या बन जाएगा? 1000. अब मेरे को इन शॉर्ट एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इनकी वैल्यू, इनको हमें इनकी प्लेस चेंज करनी पड़ेगी. तो क्या करूँ, 8436 एज इट इज, 1000 को लेके आए इधर साइड और 8436 को लेके आए इधर साइड और क्यूब रूट ऑफ एक्स को लेके गए उस साइड. ठीक है, तो 8436 से 8436 कट गया, तो ये क्या बन गया, क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा, इज इक्वल टू 1000. अब क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1000, तो एक्स क्या आएगा, 10. ठीक है, चलो. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. द वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज. अब इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट. अब 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.19 का स्क्वायर. अब 0.03 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो पता ही है 9 होता है, राइट. तो ये क्या आएगा, 0.0009 प्लस 0.19 का स्क्वायर. अब 19 का स्क्वायर पता है 361 है. अब डेसिमल प्लेसेस लगानी है, तो क्या आएगा, 0.0361. अब ऐड कर दो. ऐड कैसे करोगे, भी डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखोगे. ठीक है, सो आंसर इज 0.037. कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13. द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज. अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है 313/81. अच्छा, इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले ठीक करके लिख ले. 3 × 81, ठीक है, तो 81 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24 243 and 243 plus 13 upon 81, क्या बन गया ये, 256 upon 81. अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है. अब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 256 आए, डेट इज 16, एंड ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 81 आए, डेट इज 9. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 16/9. आगे चले, क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट विद 12 एज वन ऑफ द मेंबर्स. ठीक है, कौन सा इसमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसमें 12 वन ऑफ द मेंबर है? पहले तो चेक करो, इन सारे ऑप्शन में 12 सबका ही मेंबर है, बट हमें ये चेक करना है कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. अच्छा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा होगा जो पाइथागोरियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अगर इस प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई कर देता है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है.
अच्छा फर्स्ट वाला देखो, ये क्या है 5, 12, 14 राइट। अच्छा अब मेरे को क्या चाहिए, 14 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के राइट। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 इज इक्वल टू, अच्छा 25 प्लस 144 जरा ऐड करो क्या आएगा 169 ठीक है, विच इज नॉट इक्वल। तो ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है नहीं। अब ये देखते हैं 12, 13, 14 अच्छा जी 12 का स्क्वायर 196 नहीं 14 का स्क्वायर 196 किसके इक्वल होना चाहिए 144, 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 169 जरा ऐड करो ये तो बड़ा बन जाएगा 14 स्क्वायर से राइट। सो दिस इज आल्सो नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करें, नेक्स्ट चेक करते हैं 35, 37 एंड 12। तो 35, 37 एंड 12 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए 37 स्क्वायर के इक्वल, सबसे बड़ा तो वही है ना। अब चेक करते हैं 35 का स्क्वायर 1, 2, 2, 5 प्लस 12 का स्क्वायर 144 तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4, 9 2 प्लस 4, 6 और 3, 1, 3, 6, 9 विच इज अ 37 स्क्वायर, ये तो इक्वल है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 35, 37, 12 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। चेक करें 1729 बोलो भाई 1728 तो 12 का क्यूब होता है, 1729 तो कोई क्यूब ही नहीं है ठीक है, ये तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। बस खत्म, आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, इनफैक्ट बाकी जो गिवन है वो सारे क्या है परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 द स्क्वायर रूट ऑफ 350 टू द नियरेस्ट होल नंबर इज। चलो अब इसका 350 का हमें स्क्वायर रूट एस्टिमेट करना है टू द नियरेस्ट होल नंबर। सबसे पहले ये चेक करो 350 जो है वो किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाया करता है। अच्छा 324 है ना, डेट इज 18 स्क्वायर एंड दिस इज 361, नेक्स्ट स्क्वायर 361 इसके बीच में लाया करता है दैट इज 19 स्क्वायर। अब एक चेक करो 324, 350 इसके ज्यादा क्लोज है या इसके ज्यादा क्लोज है, 361 के ज्यादा क्लोज है तो नियरेस्ट बताना है हमें, तो किसका स्क्वायर हो सकता है 19 अप्रॉक्स टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो 19 इज अ करेक्ट ऑप्शन दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल विद डायमेंशंस दिस एंड दिस इज। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाया ए बी सी डी। अब बताओ भाई डायगोनल क्या है, ऑपोजिट वर्टिसेस को जोड़ना है हमें ठीक है, ये रही ऑपोजिट, ये रही अच्छा अब ए की डायगोनल निकाल लेते हैं ठीक है, क्योंकि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, अगर एक निकाला दूसरा तो निकल ही जाएगा, हमें तो एक ही पूछा है निकाल लो। अब उसने बोला डायमेंशंस मतलब लेंथ है 20 एंड ब्रेथ है 15, हमें क्या निकालना है ए सी। अब हमें इतना पता है जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है वो उनकी जो एंगल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं 90 डिग्री में, तो अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। अब क्या लगेगी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही आएगा। अच्छा ए सी स्क्वायर तो हमें निकालना है, ए बी, ए बी का क्या है 20 का स्क्वायर प्लस बी सी 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225 तो ये बन गया 625 ए सी स्क्वायर, बट हमें तो ए सी चाहिए था तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होगा 25 ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चेक करें द स्क्वायर ऑफ 64 विल हैव 8 एट इट्स यूनिट प्लेस। चलो 64 का स्क्वायर करते हैं, हमें तो यूनिट प्लेस चेक करना है, तो मतलब 64 into 64 4 और 4 4 into 4 क्या होता है 16, पीछे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6, उसने बोला 8 तो दिस ऑप्शन इज
रॉन्ग. बी देखे, देर इज नो परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 65 एंड 80. ठीक है, अच्छा 65 और 80. अब यहाँ पे देखो नियरेस्ट स्क्वायर्स क्या हैं 65 और 80 के. एक तो 8 का स्क्वायर है, डेट इज 64. उसके बाद 9 का स्क्वायर आता है, डेट इज 81. अब 65 और 80 के बीच में तो कोई स्क्वायर ही नहीं है, तो उसने बोला देर इज नो परफेक्ट स्क्वायर. ठीक तो है, ऑप्शन बी तो करेक्ट हो गया हमारा. सो आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट. बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, आगे चलें. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज 25th ट्राइंगुलर नंबर. ठीक है, अब 25th ट्राइंगुलर नंबर कौन सा है. अच्छा 25th ट्राइंगुलर नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे. n इंटू एन प्लस 1/2. n क्या है, कौन सा ट्राइंगुलर नंबर निकालना है यहाँ पे 25th. तो n क्या होगा 25 इंटू 26/2, तो ये 13. 25 इंटू 13 दैट इज 325. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. फॉल्स चेक करना है अब हमें. अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद टू जीरोस. ठीक है, अब जो परफेक्ट क्यूब है उसमें दो जीरो से एंड नहीं हो सकता. बिल्कुल ठीक है, ये तो ट्रू है स्टेटमेंट. क्यों भाई, ऑड नंबर सॉरी अगर हम 10 का क्यूब करें तो क्या आएंगी इसमें, थ्री जीरोस आएंगी मिनिमम. तो उसने बोला टू जीरो से एंड नहीं हो सकता. बिल्कुल ठीक है. बी देखें, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर. मे बी बोला है, बिल्कुल ठीक है. क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर, टू क्यूब क्या होता है 8, तो सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है. बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्रू है. देर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8. कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड हो. ठीक है, सिद्धी यही तो एग्जाम्पल ही थी. टू क्यूब करो जरा, 8 ही तो आएगा, तो 8 से ही तो एंड हो रहा है. तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. हमें तो फॉल्स वाली लेनी थी. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21. अब ये सेक्शन बी आ गया, राइट. सो दिस इज द राइट द आंसर टाइप क्वेश्चन. आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिवली सॉल्व करके इसके आंसर ही लिखना है जो एंड में हमारे पास आंसर आएगा, राइट. अब 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन सच अ वे दैट द रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज. राइट द नंबर ऑफ रोज. अब देखो, सपोज मैंने 3 रोज बनाई, तो हर रो में 3 प्लांट्स ही हम प्लांट करेंगे, राइट. अगर मैंने 4 रोज बनाई तो हर रो में 4 प्लांट्स हम क्या करेंगे, प्लांट करेंगे, राइट. अच्छा अगर मैंने ऐसे 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 एक्स रोज लगा दी तो इधर भी एक्स प्लांट्स ही प्लांट करेंगे, राइट. अब इधर देखो, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ पे कितने थी, कितनी रोज थी, 3 रोज. हर इसमें कितने प्लांट थे, 3, तो 3 इंटू 3 प्लांट्स हो गए. यहाँ पे 4 इंटू 4 प्लांट्स हो गए. यहाँ पे क्या होगा, एक्स इंटू एक्स प्लांट्स हमने प्लांट कर दिए. तो टोटल प्लांट्स एक्स स्क्वायर इसमें जो होगा प्लांट होगा. अच्छा कितने उसने प्लांट करे, 2025, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 2025. तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2025, दैट इज 45 आंसर. स्क्वायर रूट निकाल लोगे, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1176 स्क्वायर एंड 1177 स्क्वायर. अब चेक करो, ये हमें पैटर्न हमने कराया था. अगर n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स निकालने हैं तो वो क्या होते हैं, 2n. ठीक है, अब यहाँ पे n की जगह पे क्या है, 1176, तो आंसर इज 1176 इंटू 2, दैट इज 2352 आंसर. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 23, राइट द वैल्यू ऑफ दिस. अब सीधा देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 225 दैट इज 15, स्क्वायर रूट ऑफ 729 दैट इज 27, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144 दैट इज 12, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9. ठीक है, अब इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो आप. तो 3 5 15, 3 9 27, 3 3 9, 3 4 12, दैट इज 5/9 माइनस 4/3. एलसीएम लो, क्या आएगा 9, सो दिस इज 5 माइनस 12 -7/9 इज द आंसर. नेक्स्ट, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द क्यूब ऑफ 27,000. अब 27,000 का क्या करना है हमें, क्यूब. अब इसको कितनी जीरो होंगी इसकी, अब आपको बताया था कि जितने नंबर्स में जीरो होंगी उसके 3 टाइम्स कर लो. तो कितनी जीरोज है, 3, तो 3 × 3 9 जीरोस आंसर. वैसे भी आप देख सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे 27,000 × 27,000 × 27,000, आपको तो जीरोस ही काउंट करनी है. 3 + 3 + 3 दैट इज 9 जीरोस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राइट द वैल्यू ऑफ दिस. अब चेक करो कैसे नंबर्स हैं, 1, 3, 5, 33, दीज आर ऑड नेचुरल नंबर्स. अब ऑड नेचुरल नंबर्स का सम करना है, तो सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n स्क्वायर. अब n है कितना, कि नंबर ऑफ ऑड नंबर्स. कितने ऑड नंबर्स हैं यहाँ पे. अच्छा, अब 1 + 3 + 5 ऐसे तो काउंट करना मुश्किल होता है. अच्छा, हम इवन नंबर्स को तो काउंट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 2, 4, 6 अप टू सो ऑन, यहाँ पे 34 होता तो हम इवन नंबर काउंट कर सकते थे, जैसे 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, दिस इज 2 × 17, राइट. ये है 17th ऑड नेचुरल नंबर, नहीं इवन नेचुरल नंबर, तो ये भी क्या हो गया, 17th ऑड नेचुरल नंबर. ठीक है, तो 17 का स्क्वायर, कितने नंबर्स थे हमारे पास 17, उसका स्क्वायर क्या होएगा, 289 इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर. तो आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि मल्टीप्लाई करे और ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो सबसे पहले है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 14157 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें. सो सबसे पहले ये 3 से जाएगा, 3 4 7 1 9, अगेन 3 से, 3 1 3 3 5 7 3. नेक्स्ट 11 से, अब देखो चेक करोगे 5 से, 5 से नहीं जाएगा, 7 से डिवाइड करके देखोगे 7 से नहीं जा रहा, फिर किससे करोगे 11 से, तो 11 से जा रहा है, 11 1 11, 4 बच गया, 11 4 44, यहाँ पे बच गया हमारे पास 3, 11 3 33. नेक्स्ट 11 1 11 11 3 33, तो 13 1. तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई इसकी, 3 × 3 × 11 × 11 × 13. अब कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर में ये क्या होने चाहिए, डबलेट मतलब पेयर बनने चाहिए. तो 3 × 3 11 × 11, ये तो पेयर बन गए, 13 अकेला रह गया. अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. तो आंसर क्या आया हमारा, 13. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स आर देयर बिटवीन 64,000 एंड 1331,000. चलो अब इसके बीच में परफेक्ट क्यूब्स काउंट करने हैं, चेक करें 64,000. अब 64,000 किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 4 का, और बीच में 3 जीरोज है तो 40 का क्यूब है, और ये 110 का क्यूब हो गया. अब कितने परफेक्ट क्यूब्स हैं, अब देखो 40 क्यूब के बाद कौन सा क्यूब आएगा, 41, देन 42, अप टू सो ऑन, यहाँ पे 109 क्यूब तक आएंगे. ये वाले क्यूब्स है ना, ये काउंट करने हैं. अब उसने बोला है बिटवीन, मतलब 41 से लेके 109 तक काउंट करने हैं. अगर हम काउंटिंग स्टार्ट कर दें 1 क्यूब से, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड सो ऑन 109 क्यूब तक, तो कितने क्यूब्स हैं यहाँ पे, 109. ठीक है, बट हमें 40 क्यूब तक नहीं लेने, तो कितने टोटल में से कितने क्यूब माइनस किए,
40, तो कितना बन गया यहाँ पे 969 आंसर। ठीक है चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 28। राइट द वैल्यू ऑफ दिस, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ दिस एंड स्क्वायर रूट ऑफ 60। अच्छा क्यूब रूट ऑफ 27 तो पता है 3 होता है प्लस, अब यहाँ पे आ गया डेसिमल, सबसे पहले डेसिमल प्लेस को हटा लेते हैं, ये आ गया 512 अपॉन कितनी जीरोस लगाऊं 6 जीरोस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज 4, तो क्या आएगा 3 प्लस। अच्छा क्यूब रूट ऑफ 512 किसका क्यूब है 8 का एंड ये किसका क्यूब हो गया दैट इज 100 का अपॉन 4, सो दिस इज 3 प्लस 0.08 अपॉन 4, अब ऐड करो 3.08 अपॉन 4 आंसर। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 29। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल, फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट। ठीक है अब ऐसे 500 चिल्ड्रंस को हमने क्या करना है, अरेंज करना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आए। ठीक है मतलब यहाँ पे अगर हमने रोज बनाई, सपोज एक्स रोज बनाई तो एक्स ही कॉलम्स बनने चाहिए, ऐसे 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 एंड सो ऑन, ये कॉलम्स बन जाएंगे। अच्छा कितने स्टूडेंट्स इस अरेंजमेंट में अरेंज होंगे, दैट इज एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स, बट हमें तो 500 करने हैं तो ऑब्वियसली कुछ बच्चे छूट जाएंगे, तो चेक करें उसके लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा 500 की लॉन्ग डिवीजन करके देख लेते हैं। तो क्या करेंगे पीछे से पेयरिंग करनी स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे पेयर और 5 अकेला, तो 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होएगा 2 2 4 100, अब 2 का डबल यहाँ पे 4, यहाँ कुछ चाहिए एंड यहाँ कुछ चाहिए, तो 42 टू जा जाएगा ये दैट इज 84, क्या आ गया 16। अच्छा अगर यहाँ पे 0 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता और परफेक्ट स्क्वायर हमें चाहिए था, तो कोई अरेंजमेंट में कोई लेफ्ट आउट होता ही नहीं, बट यहाँ पे 16 आ गया। अगर 16 है, 16 तो बच गए, रिमाइंडर कुछ बच गया, तो 16 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट आउट, 16 इज द आंसर। चले आगे क्वेश्चन नंबर 30। हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर आर देयर फ्रॉम 64 टू 1025। अच्छा 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, अच्छा फिर आगे 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 जाके ये 1024, अच्छा 1024 किसका स्क्वायर है 32 का स्क्वायर, हमें काउंट करना है 64 से लेके 1024 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 8 स्क्वायर से 32 स्क्वायर तक काउंटिंग करनी है। अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड सो ऑन 32 स्क्वायर तक काउंट करें कितने स्क्वायर्स होते 32 होते, बट हमें 7 स्क्वायर तक नहीं लेना, 1 से लेके 7 तक तो काउंट ही नहीं करें, तो माइनस कर दो 7। ठीक है तो क्या आ जाएगा 25 इज द आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अब ये आ गया सेक्शन सी, सेक्शन सी जो था वो हमारे पास क्या है सब्जेक्टिव पेपर है। अब सब्जेक्टिवली जैसे हम पेपर करते हैं या क्वेश्चन करते सॉल्व करते हैं वैसे हम इसको आंसर करेंगे। ठीक है सो दिस इज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन। राइट 121 एज सम ऑफ 11 ऑड नेचुरल नंबर्स, तो 121 को लिखना है एज अ सम ऑफ 11 ऑड नेचुरल नंबर्स। अब ये हमने पैटर्न करा था 121 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट 11 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम पे लिख दो, तो क्या लिखोगे 1 + 3 + 5 अप टू सो ऑन, एंड में क्या आएगा 21, लिख दिया आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। टू नंबर्स आर इन द रेशो 2:3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 294, फाइंड द नंबर्स, तो क्या लिखोगे लेट द नंबर्स बी 2x एंड 3x।
अब प्रोडक्ट दिया हुआ है, मतलब 2x इंटू 3x किसके इक्वल है, 294। तो ये क्या बन गया, 2 3 6, x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 294। पर हमें तो x चाहिए, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 294, 6 को करेंगे डिवाइड। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो x कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 49, दैट इज 7। अब x आ गया 7, हमें तो नंबर्स चाहिए थे, तो पुट करो 2 इंटू 7 दैट इज 14 एंड 3 इंटू 7 दैट इज 21 इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है क्या, 169 में से सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दो ऑड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स 1, दैट इज 168। अब 168 में से क्या माइनस करोगे, 3, दैट इज 165। अब 165 में से कैसे माइनस करोगे, दैट इज 5, दैट इज 160। अब 160 में से क्या माइनस करोगे, 7, दैट इज 153। 153 में से क्या माइनस करोगे, 9, दैट इज 144। 144 में से क्या माइनस करोगे, नेक्स्ट 11, दैट इज 133। अब 133 में से क्या माइनस करोगे, नेक्स्ट 13, दैट इज 120। अब 120 में से क्या माइनस करोगे, नेक्स्ट नेट दैट इज 15। तो ये आया 105। नेक्स्ट 105 में से क्या माइनस करोगे, 17, दैट इज 88। तो 88 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 19, दैट इज 69। 69 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 21, दैट इज 48। अच्छा 48 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 23, दैट इज 25। 25 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 25 इक्वल टू 0। जैसे ही 0 आता है हमने स्टॉप हो जाना है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट कैसे निकाल ले, जितने टाइम्स हमने ये सब्ट्रैक्शन करी वो उसका स्क्वायर रूट होगा। काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 169। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एक्सप्रेस 7³ एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। अब 7³ को करना है, मतलब 7 नंबर्स में लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में देखो ये वाला मिड वाला है, 3 इधर है, 3 इधर है। मिड वाला कैसे डिसाइड करते हैं, 7³ है तो 7 स्क्वायर कितना होता है, 49। अगला नंबर 51 53 55, और इधर 47 45 43। सम लिखना है तो ऐड कर दो, कई बच्चे प्लस लगाना भूल गए बीच में। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब्स इज 387। इफ द क्यूब रूट ऑफ द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स इज 8, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर नंबर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स, ये एक क्यूब है सपोज, माइनस दिस क्यूब, क्या दिया हुआ हमें, 287, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब उसने बोला क्यूब रूट ऑफ द ग्रेटर ऑफ द टू, ये ग्रेटर होगा ये स्मॉलर होगा, तभी तो पॉजिटिव 287 आया। ठीक है, अब ग्रेटर का क्यूब रूट दे दिया, ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ ग्रेटर इज 8। अच्छा क्यूब रूट 8 है तो मतलब यहाँ पे 8 रख दो, 8 का क्यूब होगा ये पूरा नंबर, तो ये क्या बन जाएगा, 512 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब एक्स क्या ले लिया, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, सो दिस इज 287। ठीक है, तो माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 287 माइनस 512, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 125, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125। हमें तो एक्स चाहिए, मतलब क्यूब रूट ऑफ 125 क्या होता है, 5 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सेक्शन डी। दीज आर 3 मार्कर क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन इज, 3 नंबर्स आर इन द रेशो 1:2:3 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज इक्वल टू 288। फाइंड द नंबर। अब थ्री नंबर्स, अब क्या करेंगे, लेट द नंबर्स बी x, 2x एंड 3x।
एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज दिस. अब इसका क्यूब कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x³ प्लस 3x³ किसके इक्वल है, 288 के इक्वल है. सो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, अच्छा 2 का क्यूब किया 8, x का क्यूब किया x क्यूब, 3 का क्यूब किया 27, x का क्यूब किया x क्यूब, दिस इज 288. ठीक है, अब ऐड करो, ये क्या बन जाएगा, 36x³ इज इक्वल टू 288. सो x³ इज इक्वल टू 288 अपॉन 36. तो आपके पास ये कटिंग करके 8 आ जाएगा, x³ इज इक्वल टू 8, तो x कितना आ गया, 2. आपको तो नंबर्स चाहिए थे तो यहाँ पे पुट कर दो, क्या आया, 2, 2 टू जा 4, 2 3 जा 6. तो दीज आर द नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 6 एंड 15. हमें चाहिए स्मॉलेस्ट, वो भी स्क्वायर नंबर जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो. एक बात बताओ, क्या हम ऐसा नंबर निकाल सकते हैं जो तीनों से डिविजिबल हो और वो स्मॉलेस्ट हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं, स्क्वायर बाद में देख लेंगे, पहले तो ये नंबर तो निकाल लें जो स्मॉलेस्ट भी हो और तीनों से डिविजिबल हो. तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 15. ले लो एलसीएम, क्या आएगा, 4, 6 एंड 15. तो 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 2, 1 जा 3, 1 जा. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल, वो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही आया. बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये मेंशन करना होता है, कुछ बच्चों ने डायरेक्टली कर दिया है. ठीक है, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 के तो ट्रिपलेट कंप्लीट, सॉरी पेयर कंप्लीट है, 3 और 5 के पेयर कंप्लीट करने पड़ेंगे. तो क्या करना पड़ेगा, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये बन गया नंबर. अब ये नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 900, ये आ गया आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. इवेल्युएट दिस डिवाइडेड बाय दिस. अब इसको इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, आपको क्या करना है, डेसिमल हटाना है. तो ये आ जाएगा 729 अपॉन 1000, 8 अपॉन 1000, क्यूब रूट ज़्यादा नीचे, डिवाइडेड बाय 216 अपॉन, ये जीरोस हटा दी, ठीक है एक और लगेगी, और 512 अपॉन 6 जीरोस हमने फिर से नीचे लगा दी. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 729 अपॉन 1000 इंटू 1000 ऊपर गया 8 नीचे आया, डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 216 अपॉन 10 लाख अपॉन इंटू 10 लाख अपॉन 512, ये कैंसिल हो गया. तो ये बचा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 216 अपॉन 512. ठीक है, तो ये आया 9 2 डिवाइडेड बाय 216 किसका क्यूब है, 6 का एंड 8 का, तो 9/2 इंटू 8/6 ये करेंगे, 2 1 2 2 4 8 3 3 9 3 2 6 3 2 1 2 2 2 4 दैट इज 6 आंसर. ये क्वेश्चन सारे बच्चों का ठीक है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 39. फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज वन मेंबर इज 50. ओके, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, विद द हेल्प ऑफ 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1. अब उसने बोला वन मेंबर 50 होना चाहिए, तो केस 1 व्हेन 2m अगर 50 के इक्वल है, तो यहां से देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलता है, तो ये आ जाएगा 2m इक्वल टू, सॉरी m इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 25. अब पुट कर दो 50, 25 स्क्वायर 6, 24 और 6
26. This is the Pythagorean triplet. Case 2. When m square minus 1 equal to 50. तो ये क्या बन गया? M square equal to 51. No possible values. क्यों? ऐसा नंबर है natural number जिसका square 51 हो? No. Next, case 3. M square plus 1 equal to 50. तो ये क्या बन जाएगा? M square equal to 49. M यहां से कितना आया? 7. पुट करो इन तीनों में. क्या आएगा? 14. ठीक है? और 49 माइनस 1 48 एंड 50. तो आपके पास दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आ गए. क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 40. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. क्या करना है भाई? बस लॉन्ग डिवीजन मेथड कर दो. 56.5504. अब हमें क्या करना है? इसमें पेयर्स बनाने हैं. अब डेसिमल के इस साइड ऐसे पेयर बनेंगे, इस साइड से पेयर बनेंगे. बना दिए. अब 56 है तो 7 7 जा 49, माइनस किया यहाँ पे आया 7. अब 55 को उतार लो नीचे. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? 7 का डबल डेट इज 14. यहाँ कुछ चाहिए, यहाँ पे पॉइंट लगेगा और यहाँ पे कुछ चाहिए. अब 755 है तो 145 फाइव जा हमारे पास क्या आ जाएगा? 725. तो दिस इज 0, दिस इज 3. अब यहां से 04 उतार लो नीचे. अब 75 का डबल 150. यहाँ पे कुछ चाहिए, यहाँ पे कुछ चाहिए. अब ये 2 से जाएगा क्योंकि 3 से बड़ा नंबर आ जाएगा. सो स्क्वायर रूट इज 7.52 आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 41. इज 203742 अ परफेक्ट क्यूब? If not, find the smallest number by which it must be divided so that the quotient becomes a perfect cube. Also find the cube root of the perfect cube so obtained. सबसे पहले चेक करना है परफेक्ट क्यूब है तो उसके लिए क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. तो ये बन जाएगा 203742. सबसे पहले किससे जाएगा? 2 से. तो 2 1s are 2, 0 2 1s are 2. 871. मैं प्राइम फैक्टराइजेशन फटाफट लिख देती हूँ. 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 9s are 18, 3 5s are 15 and 3 7s are 21. Next, 3 1s are 9 and 3 3s are 9, 3 1s are 3 and 3 9s are 27. अगेन 7 से जाएगा ये. 7 से नहीं, 3 से जाएगा. 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 7s are 21, 3 3s are 9. Again 7 से. 7 5s are 35, 7 3s are 21, 7 9s are 63. Again 7 से. 7 7s are 49, 7 7s are 49. Again 7 से. 7 11s. ठीक है, अब ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई? 2 into 3 into 3 into 3 into 7 into 7 into 7 into 11. अब हमें क्या बनाना है? इसको क्या डिवाइड करेंगे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? अब परफेक्ट क्यूब होने के लिए इसमें जो जितने प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए? ट्रिपलेट में. अब ट्रिपलेट में है या चेक करो. 3 ट्रिपलेट में है, 7 ट्रिपलेट में है, 2 नहीं है, 11 नहीं है. तो अगर मैं 2 और 11 से डिवाइड कर दूं, मतलब 22 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. तो आंसर इज 22. नेक्स्ट बोला है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द परफेक्ट क्यूब सो ऑब्टेंड. अच्छा, 22 से तो मैंने डिवाइड किया तो नंबर क्या बन गया? 3 into 3 into 3 into 7 into 7 into 7. इसका मेरे को क्यूब रूट निकालना है. तो यहां से 3 ने बाहर निकाला, यहां से 7 बाहर निकाला, आंसर आ गया 21. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 42. फाइंड द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. फाइंड इट स्क्वायर रूट एज वेल. 7 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है. तो 7 डिजिट परफेक्ट 7 डिजिट नंबर हमें पता है लार्जेस्ट, तो क्या आएगा? ये आएगा. अब परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो इसकी वो कर दो लॉन्ग डिवीजन. तो सबसे पहले दिस 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 एंड दिस. 3 3s are 9, 0. 99 ऊपर, 3 का डबल
6, अब ये जाएगा 1 से, दैट इज 61, माइनस किया बना 38, अब 99 ऊपर से आया, 31 का डबल 62, अब ये जाएगा 6 से, तो ये बन जाएगा 3756, अगेन माइनस करके क्या बनेगा 143 अपॉन 99 हमने नीचे उतारा, सो 316 का डबल बन जाएगा 632, अगेन ये 2 से जाएगा, तो ये बन जाएगा 12644, रिमेनिंग पार्ट 1755। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो 999, अब ये तो हमारे पास ग्रेटेस्ट था पर ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, अब इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा तभी तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो क्या माइनस करें, जो ये बच गया माइनस 1755, ठीक है, तो ये बन जाएगा 9998244 आंसर, सो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 9998244 का, यही तो होगा 613162 का ही तो स्क्वायर है, ये क्या आएगा 9998244, ठीक है, तो इसी का ही स्क्वायर निकाला था हमने, राइट। चलो आप इसको वर्किंग शो कर सकते हो, फिर से निकाल सकते हो, अदरवाइज सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 43, लास्ट क्वेश्चन, फॉर अ फंक्शन द चेयर्स फॉर सीटिंग वर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर द सेम, इफ देयर आर 31 चेयर्स हाउ मेनी मोर चेयर्स आर नीडेड फॉर द अरेंजमेंट, हाउ मेनी रोज विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब अरेंजमेंट क्या करनी है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, तो क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे एक्स, टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगी सीट्स की एक्स इंटू एक्स, डेट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नंबर ही हम अरेंज कर सकते हैं, पर 3100 स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमें कौन से कितने और स्टूडेंट्स नहीं कितने और चेयर्स चाहिए कि ये अरेंजमेंट फुल हो जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन चेक कर लेते हैं, पेयर बनाया तो ये 5 5 25, माइनस किया दैट इज 6 और 0 ऊपर से उतार लिया, 5 का डबल 10 या 5 से जाएगा, कितना बनेगा 525, दैट इज 75, ठीक है। अब हमें कुछ ऐड करना है 3100 में, अब इतना पता चल गया 3100 जो है वो 55 स्क्वायर से तो बड़ा नंबर है, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है 56 स्क्वायर, अच्छा 56 स्क्वायर है क्या 3136, तो 3136 यहाँ पे 3100, इसमें यहाँ पे जाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 36 मोर चेयर्स टू बी एडेड, ठीक है, भी हो गया। अब जब 36 मोर चेयर ऐड कर देंगे तो टोटल चेयर्स कितनी हो जाएंगी विल बी 3136, ठीक है, अब 3136 चेयर्स आ गई। अब उसने बोला हाउ मेनी रोज विल बी फॉर्म, अब इस इतनी चेयर्स को लेके कितनी रोज बनेगी, क्या निकालोगे x स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 3136, तो x चाहिए हमें दैट इज नंबर ऑफ रोज वो 3136 स्क्वायर रूट ऑफ 3136, तो x आ गया 3136 का स्क्वायर रूट निकालोगे क्या आएगा 56, सो दिस कंप्लीट्स योर डिस्कशन ऑफ टेस्ट 4, थैंक यू।